नमस्कार, कैसे आप सब। मेरा नाम है अमित कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल मैजिक चैनल। तो आज हम बताने वाले हैं कि YouTube का जो बैनर है वो किस तरीके से बनाया जाता है। जो नए क्रिएटर्स हैं, नया YouTube जिन्होंने चैनल स्टार्ट किया है, तो उनमें दिक्कत आ रही है कि हमें किस तरीके से लगाना है, किस तरीके से बनाना है। तो उसमें सारा आज मैं वीडियो के अंदर बता रहा हूँ। वीडियो को स्किप मत करना, स्किप करते हो छोटी छोटी चीज़ें रह जाती है, जिसकी वजह से आप बाद में कमेंट सेक्शन में पूछते हो कि किस तरीके से हमें बनाना है और ये किस तरीके से होगा भाई साहब। तो इस तरीके से हम जो काम करना है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हो, तो इसलिए पूरा वीडियो देखना। वीडियो के अंदर सब कुछ बताया गया है, एंड स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक, कि किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से एडिटिंग करनी है, किस तरीके से अपलोड करना है। तो पूरा का पूरा वीडियो देखना और वीडियो को लाइक करना, और नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, मोबाइल की स्क्रीन पर आ गए हैं हम। आज हम बना रहे हैं YouTube का बैनर। तो बैनर के लिए क्या करना है वो बता देता हूँ। सबसे पहले आपने एक प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लेनी है। मोबाइल के अंदर आप काम कर रहे हो तो मैं सिर्फ मोबाइल पे बता रहा हूँ, लैपटॉप या अदर पे नहीं। आप मोबाइल पर ही बैनर तैयार कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि पिक्सल लैब नाम का ये ऐप आपने डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही ऐप ओपन करोगे इसको, तो इस तरह का कुछ इंटरफेस आ जाएगा। फिर यहाँ पर थ्री लाइन्स है, इस पर क्लिक करना है। और उसके बाद में आपने आ जाना है इमेज साइज, इस पर क्लिक कर देना है। इमेज साइज के अंदर आपने जो भी जिस प्रकार की कैटेगरी का आपका है, कुछ भी आपने बैनर बनाना है, अगर आपको साइज़ पता नहीं है या पर किस साइज़ का कैसा होता है, तो आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है इस तीर पर, कस्टमाइज जो लिखा हुआ है ये कस्टमाइज पर, इस पर क्लिक करना है। और ये देखो आपके सामने हर प्रकार के आ गए। ये आगे प्रोफाइल पिक्चर, यूट्यूब चैनल बैनर, यूट्यूब थंबनेल, फेसबुक कवर, तो सारे आ गए हैं। तो हमने सिंपली क्या करना है कि यूट्यूब चैनल बैनर ये बनाना है, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब जो आपके सामने 2560 और 1440 ये आ गया है, यही साइज रहता है, तो हम इसको ओके कर देते हैं अभी। तो कुछ ऐसा बैनर साइज बन के आ गया हमारे सामने। अब हम इसको जिस भी तरीके से बनाना है उस तरीके से बना सकते हैं। अगर आप नए हो, नहीं बनाना आता है, तो मैं आपको बता दूं, ये नीचे सारे के सारे ऑप्शन हैं। आप इनमें से इस तरीके से आप कोई भी कलर, प्रोडक्शन, कुछ भी आपने तैयार करना है तो आप इसको सिंपली लगा सकते हैं। तो मैं इसका सबसे पहले बैनर ये हटा देता हूँ। सबसे पहले एक्चुअली इसकी मुझे, एक मिनट इसको साइड करते हैं, और इसको जो है टेक्स्ट स्टाइल को इसको एक बार अपने हटा देते हैं। यहाँ पर डिलीट वाले बटन को, ये हट गया है। अभी अपने सबसे पहले क्या है, इसको बैनर को कलर देते हैं। अभी कौन सा कलर अच्छा लगेगा तो देखते हैं कलर कहाँ पर मिलेगा अपने को। ये आ गया, आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आ गया कलर। आप ये मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो इसी में अपने नाम वगैरह लिख के देंगे। आप अगर इसमें चाहो तो सिंगल कलर भी दे सकते हो। ये देखो इस तरीके से रेड है, ब्लैक है, वाइट है। उसके बाद में आपने क्या करना है कि अपनी कोई फ़ोटो लगानी है, कुछ भी लगानी, तो आप यहाँ से प्लस का आइकन है, इस पर क्लिक करके और फ्रॉम गैलरी, यहाँ से आप अपनी गैलरी में जाओगे सीधा, और वहाँ से आप जो भी आपने फ़ोटो सेलेक्ट करनी है, जो मतलब यहाँ लगानी है, उसे आप लगा सकते हैं। ये आप इधर आगे जाओ, ये आ गया फ़ोटो। इस फोटो के अंदर आप ये जितने भी आपकी फ़ोटो हैं, ऑल कैमरे पे, ऑल पे कैमरे पे सभी पे मिल जाएगी। तो मैं कैमरा सेलेक्ट करता हूँ और देखता हूँ कौन सी फ़ोटो है मेरी, वो फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ और वो यहाँ लगाऊँगा। इसको आप एडजस्ट कर सकते हो, आगे पीछे कहीं भी, ऊपर नीचे, छोटी बड़ी। तो मैं इसको सिंपली ओके कर देता हूँ। ये आ गया है आपके बैनर के लिए। अब इस बैनर में पूरी आ नहीं रही है, तो इसको आप छोटी बड़ी भी कर सकते हो, इस हिसाब से वो आप एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से भी। कैसे आपने इसको घुमा भी सकते हो, सीधी कर सकते हो, टेढ़ी कर सकते हो, कोशिश करता हूँ किस तरीके से हमारा बैनर सुंदर दिखे, सुंदर लगे। ये मैंने फ़ोटो को एडजस्ट कर दिया है यहाँ पर। उसके बाद में हमने कोई नाम लिखना है, कुछ और करना है, तो वो अपने जो ए लिखा है उसके आगे टेक्स्ट, तो इस पर क्लिक करेंगे। ये आ गया नीचे, ये आ गया है न्यू टेक्स्ट, इसको डबल क्लिक करेंगे तो लिख दिया है। इसको हम
अब यहाँ पर जो भी आपने कोई भी काम करना, कॉपी है, फ्रंट है, बैक है, मतलब फ़ोटो को आगे करना है, पीछे करना है, तो वो आप सारा काम यहाँ से कर सकते हो बिल्कुल। जैसे अब ये मैं आपको बता दूँ कि जैसे ये लिखा हुआ, इसको अपने बैक साइड में लेके जाना, तो ये लिखा है ना टू बैक, ये देखो ये बैक पे चला गया। अब इसको फ्रंट पे लेके आना तो फ्रंट, यहाँ पर ये देखो बहुत ही सिंपल और शानदार है ये, मेरे को स्पेशली बहुत अच्छी लगती है, तो इसको मैं ज़्यादातर यूज़ इसी से करता हूँ। अब ये देखो साइज़ में आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हो आराम से, बहुत सारे ऑप्शंस है और बहुत ही सिंपल है, आप आराम से इसमें कलर भी दे सकते हो। तो सबसे पहले अपने फॉन्ट देखते हैं, ये फॉन्ट पे आ गया, ये फॉन्ट पे आ गया, फॉन्ट पे अपने क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ऊपर देखो जो भी आप फॉन्ट लगाओगे वो ऊपर चेंज होता रहेगा, अभी आपको पता चलता रहेगा अभी हमारा जो किस स्टाइल में लिखा जाना है। तो मेरे को ये अच्छा लगा, एक बार ट्राई करते हैं इसको। अब ये मैंने लिख दिया है, अब इसमें अपने कुछ कलर वगैरह भी दे सकते हैं, इसको मैं देखता हूँ। अभी ये जो लिखा हुआ है बैकग्राउंड, तो अपने इस पर क्लिक करते हैं, तो आप इसके बैकग्राउंड में इस तरीके से कुछ ओके करके देखते हैं कैसा लगता है, कुछ ऐसा लगेगा अपने को। तो इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, कलर वगैरह भी दे सकते हैं, बैकग्राउंड में भी आप कौन सा कलर देना चाहते हो, जैसे मैं ये येलो देता हूँ, जच नहीं रहा है, ये भी अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ बढ़िया लगे ना, तो उस टाइप का अपने यहाँ पर लगाएंगे। जो दिखे कि वास्तव में यार कलर सुंदर है, उस टाइप का अपने यहाँ पर बनाना है। इसको जो आपने जो बैकग्राउंड पे ये ब्लैक पट्टी है जो ये वाली, इसको हटाना है तो वहीं पर वापस ए पर आ करके और इस टीप को दोबारा दबाओगे तो ये जो गुड का निशान है, जो इनेबल लिखा हुआ है, इसको क्लिक करना है, तो अब ये वापस उसी पोजीशन में चला गया। आप इसको ओके कर दो और ये वैसा ही हो गया है मेरे। ये लो दोस्तों, कुछ हमने ट्राई किया है इसके लिए, तो ये एक इस तरीके का बैनर रेडी हुआ है। इसको मैं थोड़ा कलरफुल बनाता हूँ, ये जो कलर लिखा हुआ है इसमें, इस पर क्लिक करते हैं, ये देखो दोस्तों कुछ ऐसा हो गया है और बिल्कुल साफ अपने को दिखाई दे रहा है कि कैसा नाम है हमारा और हमारे चैनल का। अब इसमें आप आगे जा कर के इसको आप इसके स्ट्रोक्स वगैरह दे सकते हो, को अच्छा लगे आप इसको बना सकते हो। ये देखो 3D में भी बन जाएगा, ये देखो इसमें कुछ ऐसा अच्छा लग रहा है, ये आप इसको ट्राई कर सकते हैं इस तरीके से। मैं कुछ इसको इस तरीके से रखने वाला हूँ, ये मैं थोड़ा 3D स्टाइल में इसको बनाया है, ये अच्छा लग रहा है। अब इस तरीके का बैनर बन के हमारे सामने आ रहा है, आप इसको और भी अच्छी तरीके से सजा सकते हैं। मैं इसमें कुछ अपना नाम दे देता हूँ, ये बैनर तो बनकर रेडी हो गया है, मेरा नाम दे देता हूँ मैं, मेरा नाम अमित कुमार, ओके कर देता हूँ। तो ये मैंने अपना नाम दे दिया है यहाँ पर, को मैं ओपेसिटी करता हूँ, डाउन में थोड़ा लेके जाता हूँ, काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है तो हल्का दिखना चाहिए क्योंकि हमारा बैनर है वो ज़्यादा दिखाई देना चाहिए। तो ये देखो दोस्तों कुछ ऐसा बन गया है हम सफ़र यात्री व्लॉग। इसको हम सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे ऊपर और जो लिखा है सेव एज प्रोजेक्ट, नीचे लिखा है सेव एज इमेज, हम सेव एज इमेज पर क्लिक करते हैं। ये लो ये लिखा है सेव टू गैलरी, इस पर क्लिक कर दो, ये लो दोस्तों ये हो गया। और जाते हैं अपनी गैलरी में, वहाँ पर देखना है कि हमें शो कर रहा है नहीं, ऑल पे देखो, ये लो दोस्तों ये हमारी गैलरी में शो हो गया है, इसका मतलब हमारा बैनर बनकर रेडी हो गया है। तो दोस्तों अब हमें जाना है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जो ये है इस पर क्लिक करना है और अपने चैनल पर जो एच लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर देना है और जो ये लिखा हुआ है योर चैनल इस पर क्लिक कर देना है। मैनेज वीडियो, उसके आगे जो पेंसिल का निशान बना हुआ है इस पर हमें क्लिक करना है। अब ये जो साइज़ बता रहा है, ये कह रहा है
कि जो डिवाइस आपके कहाँ कहाँ से, कैसे डेस्कटॉप में डेस्कटॉप लिखा हुआ है, तो आपने इस जो स्क्वायर है इसके अंदर इतने से में ही आना चाहिए। और जो मोबाइल और डिवाइस, ये जो अभी बीच का जो बना हुआ है आयताकार, इसके अंदर नाम नाम आना चाहिए, मतलब इतना ही होना चाहिए। तो हमें इस तरीके से इसको डिजाइन तैयार करना होगा। तो अपने वापस वहीं पे जाएंगे और इसको चेंज करेंगे। तो दोस्तों हम फिर से वहीं आ गए हैं, इसको ओके करना है, इसको बहुत छोटे में तैयार करना होगा अब हमें। और ओपेसिटी इसकी कर देते हैं कम, ये इसको हम इस तरीके से रखेंगे, क्लिक कर देते हैं ये हमारी, हम सेव पे क्लिक कर देते हैं और थोड़ा सा बैक करते हैं, अपडेट हो जाएगा। ये लो दोस्तों, ये हमारे सामने बनकर तैयार हो गया है हम सफ़र यात्री व्लॉग। ये हमारा बैनर कितना शानदार लग रहा है, बिल्कुल रेडी हो गया है और मेरा नाम भी आ रहा है, यात्री व्लॉग चैनल सब कुछ आ रहा है, मेरी फ़ोटो भी आ रहा है। तो दोस्तों ये है सिंपल तरीका, आप इस तरीके से अपने मोबाइल के अंदर ही आपका जो बैनर है, फ़ोटो है, आप इसे लगा सकते हैं और अपने चैनल को सजा सकते हैं, खूबसूरत दिखा सकते हैं, ताकि कोई भी आपका जो व्यूअर है, सब्सक्राइबर आपके चैनल पर आए, देखे तो उसको अच्छा फील हो, अच्छा लगे। हो सकता है कि वो चैनल सब्सक्राइब करे इस वजह से कि आपका बैनर अच्छा है, कंटेंट अच्छे हैं, तो इससे आपके क्या है, सब्सक्राइबर आने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, व्यूज़ आने के ज़्यादा चांस हो जाते हैं और चैनल भी भद्दा नहीं लगता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना जो मोबाइल के अंदर बैनर, फ़ोटो वगैरह लगा सकते हैं। तो थैंक यू, और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।